अब हमारा मेन्यू है व्यू का, तो इसमें जो स्लाइड्स का व्यू होते हैं उसको हम चेंज करते हैं, या उस पर जो रूलर्स और गाइडलाइन जो होती हैं उसको अपना हाइड या शो करते हैं। जैसे कि अभी ये हमारा नॉर्मल पे, नॉर्मल पे ये साइड पे हमारी स्लाइड शो हो रही है, और ये एक स्लाइड जिस पे हमने जो हमने सेलेक्ट करनी है वो इधर शो हो जाती है साइड पे। तरह हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो स्लाइड हैं इनका साइज़ छोटा हो जाएगा, और ये इस तरह की हो जाएगी। और इस पे क्लिक करेंगे तो ये थंबनेल की तरह आपको सारी स्लाइड एक दफ़ा शो करा देगा। इस पे करेंगे तो ये पेज की सूरत में शो कराएगा, ये रीडिंग व्यू यानी कि जो हम स्लाइड को शो करते हैं उसमें शो कर देगा आपको। यहाँ से आप रूलर को ये देखें, यहाँ से उसके रूलर जो है ना वो हाइड शो हो गए हैं। इस तरह जो ग्रिड लाइन है यहाँ पे वो ग्रिड लाइन शो कर देगा, ये अभी जो आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है। इस तरह गाइडलाइंस करेंगे तो ये अभी मैं ये देखें, ये इस तरह जो है ना ये गाइडलाइंस उसको चार हिस्सों में जो डिवाइड कर देता है, ये इस तरह हमारे गाइडलाइन शो कर दे। ये अब स्लाइड जो हमारी कलर है इसको हम चेंज, अगर ब्लैक एंड वाइट करना चाहें या उसका कलर चेंज करना चाहिए, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे देखें वो उसका ना कलर जो है स्लाइड का वो ब्लैक एंड वाइट कर देगा। तो अभी हम कंट्रोल डैट करते हैं, या कलर पे क्लिक किया तो वही हमारी स्लाइड दोबारा से आ जाती है। उसके बाद ये मैक्रोज हैं, इसको फिलहाल आप रहने दें, आपको बाद में बता दूंगा क्या होते हैं। और क्या है ये जूम, जूम आप स्लाइड को जितना जूम करना चाहते हैं आप जूम कर सकते हैं। फर्ज करें हम 200 पे करते हैं तो वो 200 स्लाइड को जूम करा देगा, जितना आप कम करना चाहें फिट फिट। उसके जूम को जो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे इसको पकड़ के जिस जिधर प्लस की तरफ लेके जाएंगे तो जूम होती जाएगी, माइनस की तरफ लेके जाते हैं तो उसका जूम कम होता जाएगा। आप यहाँ से भी उसका जूम जो है कम और ज़्यादा कर सकते हैं।